एसएनएन 7 न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खबर सेंधवा से। सेंधवा में ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ व्यापारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न व्यापारियों ने आज शहर में रैली निकालकर ऑनलाइन खरीदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा प्रदेश के वाणिज्य मंत्री एवं बड़वानी कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। त्योहारी मौसम और दिवाली के मद्देनजर ऑनलाइन शॉपिंग और स्थानीय व्यापारियों को होते नुकसान के मद्देनजर सेंधवा व्यापारी संगठन से जुड़े व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर बैनर, तख्ती और नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग पर सरकार से नियंत्रण की मांग भी की। इस अवसर पर व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर और काले शर्ट पहनकर विरोध जताया। इस दौरान सेंधवा के कपड़ा, मोबाइल, होटल, किराना, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जूते चप्पल के व्यापारी मौजूद थे। रखेगा समस्त व्यापारी संगठन ने दुकानें आज बंद रखी है। ये सारी दुकानें बंद रही है ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में। ऑनलाइन शॉपिंग विरोध का जिस तरीके से प्रचलन बढ़ता जा रहा है उससे खुदरा व्यापारी अपना व्यापार खोते जा रहे हैं और व्यापार बंद की कगार पे आते जा रहे हैं। तो क्या किया इसको विरोध लेकर आपने? हमने आज सेंधवा में सभी व्यापारियों ने एकता दिखाते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में काले शर्ट काली पट्टी बांधकर एक बड़ी रैली के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री जी एवं कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम ऑनलाइन खरीदी का हमने डटकर विरोध किया है। ऑनलाइन खरीदी युवाओं में एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है जिसके जिम्मेदार उनके माता पिता स्वयं भी है। हम चाहते हैं कि इस ऑनलाइन ठगी से बचा जाए देश के हित में और व्यापार बाजारों की रौनक लौटाई जाए, व्यापारी खुदरा व्यापारी से खरीदी की जाए।